بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اخلاص پیدا ہو رہا ہے،
और इस अखलाक का नतीजा ये होता है कि इंसान बड़ी हद तक अपने अमल को रिया से बचा लेता है और फिर गम ही एक ऐसा सानहा है जहां इंसान कभी कभी अपने अकल के तवाजुन को खो देता है। इंतहाई गम में इंसान तवाजुन अकली को खो देता है और यह मजलिस ईसा अलैह सवाब के नाम से इसीलिए की जाती है कि उनका तस्करा किया जाए जिन पर इंतहाए गम के बावजूद उनके अकल के एतदाल में फर्क नहीं आया, अकल के एतदाल में फर्क नहीं आया। इसलिए यह मजलिस मुनक़िद की जाती है कि गम रसीदों को यह सबक मिले कि अगर कोई गम का पहाड़ भी टूट पड़े तो वो लोग सामने रहें कि जिन पर इंतहाई गम के बावजूद यह मजाल न थी कि आने वाहिद के लिए वो रहे अकल से हट जाए। ये बड़ी दौलत है, अकल बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत की जरूरत है। अगर गम से अकल दीवानगी में मुबद्दल हो जाए, अगर मुसीबत से इंसान की कुव्वत आकला और कुव्वत नातिका मौतल हो जाए, अगर इंतहाई हैरानी के आलम में इंसान के लिए यह कुव्वत तफक्कुर साथ न दे, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि सारी दुनिया में तो फिर कोई मकाम ही न रहेगा साहिबान अकल का। इसलिए कि बजुज गम के दुनिया में है ही क्या, कदम कदम पे गम है, कदम कदम पे मुसीबत है। शराफत इंसान और कमाल इंसान यह है कि गम में अकल हाथ से न जाए। ये एक उन्वान है। इस उन्वान के सिलसिले में काम की बातें याद रखिए। हमारे सिलसिले इमामत में एक हमारे मजलूम इमाम हैं, इमाम मूसा इब्न जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद को सादात मूसवी कहते हैं। ये हमारी तदवीन फिका के दौर के वो मासूम हैं जिन्होंने फिक्र शीई की तदवीन में बड़ा हिस्सा लिया है और हजारों मसाइल इमाम मूसा इब्न जाफर से मंसूब हैं, निस्बत पाते हैं और इन्हीं को अबुल हसन अव्वल कहते हैं। दरा लेके अबुल हसन कुनियत है अमीरुल मोमिनीन की, अबुल हसन कुनियत है अमीरुल मोमिनीन की, मगर फिका में जब अबुल हसन अव्वल कहा जाए तो उससे इमाम मूसी काजिम मुराद होंगे। तो मूसा इब्न जाफर को अबुल हसन अव्वल कहेंगे, इमाम रजा को अबुल हसन सानी कहेंगे और इमाम अली नकी को अबुल हसन सालिस कहेंगे। फिका में यानी अन अबिल हसन सालिस, उसके माना इमाम अली नकी, अन अबिल हसन सानी उसके माना इमाम अली रजा, अन अबिल हसन अव्वल उसके माना इमाम मूसा इब्न जाफर। तो हजरत मूसा इब्न जाफर ने एक दिन हशाम को तलब किया। हशाम इब्न हकम इनके पिदर गिरामी का रावी है, इमाम जाफर सादिक का रावी है। तलब किया और इरशाद फरमाया, हशाम देखो तीन बातें ऐसी हैं,
तीन बातें ऐसी हैं कि जिन बातों की वजह से बनी बनाई इमारत अक्ल की गिर जाती है, बनी बनाई इमारत अक्ल की गिर जाती है। सबसे पहले ये कि अगर कोई अपने नूर तफक्कुर को तूल अमल से बुझाने की कोशिश करे, तूल अमल आपको मालूम है, इसके भी माना कर दूं, एक लफ्ज भी अगर किसी मजलिस में आप पर वाजे हो जाए ना तो वो मेरी मुराद असली है। तूल तो आप सब जानते हैं, अमल अलिफ मीम लाम, आइन नहीं, अलिफ मीम लाम यानी उमैदों का तूलानी हो जाना, अमल उमैद, तूल अमल यानी कामका की उमैदें, न पूरी होने वाली उमैदें, न पूरी होने वाली ख्वाहिशें, न पूरी होने वाली तमन्नाएं, इसको तूल अमल कहते हैं। इरशाद फरमाया अगर कोई अपने नूर तफक्कुर को तूल अमल से तबाह कर दे और अगर कोई अपने नूर हिकमत को फजूल कलाम से खराब कर दे और अगर कोई अपने नूर इबरत को शहवतों से तबाह कर दे, उसकी अक्ल की इमारत गिर जाए। कितना हकीमाना कौल है, देखिए, यानी इंसान या तो हिकमत से या इबरत से या तफक्कुर से आगे बढ़ता है। इबरत यानी दूसरों से दर्स ले, हिकमत यानी अशिया को देख के हकायक तक पहुंचने की कोशिश करे, तफक्कुर यानी खुद फिक्र की आदत डाले कि मेरे लिए कौन सी राह बेहतर है। इरशाद फरमाया कि बड़ी बड़ी उम्मीदें और फिर ख्वाहिशात की ज्यादती, ख्वाहिशात नफ का फैलाव, और इसी तरह से इंसान अगर अपने आप को फजूल कलाम में मुब्तला कर ले, बेकार बातों में वक्त गुजारना शुरू कर दे, इरशाद फरमाया अक्ल की इमारत गिर जाएगी, अक्ल की इमारत गिर जाएगी। इसलिए देखिए कितना अजीब दर्स दिया है, कितना अजीब दर्स दिया है कि गम तो यकीनी है, गम तो यकीनी है, मगर एक तरफ उम्मीदों को रोके हुए रहो, हद से ज्यादा उम्मीदें ना हो, जरा सी उम्मीदें, जरा सी तवक्को, जरा सी जिंदगी, जरा सा दायरे अमल, और उसके बाद इबरत से गुरेज न करो, दर्स लेने से गुरेज न करो, किसी पे उस्ताद पड़ जाए तो खुद संभल जाओ, खुद समझ जाओ। अमीर मोमिनीन फरमाते माँ सरल इबर व अकल लेतेबार, दुनिया में कितनी ज्यादा इबरतें हैं मगर इबरत लेने वाले कितने कम हैं, इबरत लेने वाले कितने कम हैं, इबरतें कितनी ज्यादा हैं, इबरत लेने वाले कितने कम हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अकल जो कुछ है इंसान की रहनुमाई ही करती है और रहनुमाई के लिए अकल ही चाहिए, मगर कहीं बारे गम अकल को नुकसान न पहुंचा दे। और फिर हमेशा याद रखिए कि वो अकल जो कनाअत किए हुए हो, वो अकल जो हिर्स को हटाए, जो हवस को हटाए, वो अकल जो तूल अमल को हटाए, तवील उम्मीदों को हटाए, हमेशा कामयाब रहती है। मेरे मौला का एक और जुमला याद रखिए और अच्छी चीज है अगर जहन में आप रखें, इरशाद फरमाते हैं अक्सर मसारिल उकूल तहता बुरूकिल मतामे, अक्सर अकल की खेतियां हिर्स की बिजलियों के नीचे आ जाती हैं, हिर्स की बिजलियों के नीचे अकल की खेतियां आ जाती हैं कि बिजली गिरी और अकल की खेती जल गई।
جل گئی اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، اکثر عقل کے خرمن حوث کی بجلیوں میں آ جاتے ہیں، ان کی زد میں آ جاتے ہیں. اس لیے عقل کو بچائے رکھو، عقل کو بچائے رکھو. گفتگو قطوی طویل تمہید کی ضرورت نہیں. یہ عقل بچے کیسے، یہ عقل بچے کیسے؟ اس لیے کہ اس عقل کو بچانا ضروری بھی ہے، کیونکہ انسانیت اسی عقل سے ہے نا، انسانیت اسی عقل سے ہے. میں اپنے ہر عزیز کو یہ کہتا ہوں، جس کسی کو مشورہ دیتا ہوں وہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ انسان جب کبھی سوچے تو یہ سوچے کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے. آپ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی سوتا ہے، حیوان بھی سوتا ہے. انسان بھی جاگتا ہے، حیوان بھی جاگتا ہے. انسان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے. انسان بھی چاہتا ہے کہ کسی سے کچھ چھین لے، حیوان بھی چاہتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ چھین لے. انسان بھی توالد و تناسل چاہتا ہے، حیوان بھی توالد و تناسل چاہتا ہے. انسان میں بھی غضب و خوشی ہے، حیوان میں بھی غضب و خوشی ہے. سارے صفات میں تو انسان حیوان دونوں برابر ہیں، مگر حیوان کی حیوانی صفتیں سب حیوانی جبلت کے ماتحت ہیں، انیمل انسٹنکٹ کے ساتھ. حیوانی جبلت کے نیچے ہے اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، توالد و تناسل. اور انسان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا عقل کے تابع. آپ سمجھ رہے، وہ انیمل انسٹنکٹ کے تابع ہے، عقل کے تابع ہے. اور انسان بھی سوتا جاگتا چلتا پھرتا ہے، نبی بھی سوتا جاگتا چلتا پھرتا ہے. اس کے لیے بھی توالد و تناسل ہے، اس کے لیے بھی خوشی ہے، اس کے لیے بھی غضب ہے. مگر نبی میں اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقل کے تابع ہیں، نبی وحی کے تابع. سمجھنے کی چیز، حیوان انیمل انسٹنکٹ کے تابع ہے، انسان عقل کے تابع ہے، نبی وحی کے تابع ہے. اس لیے اب اپنی عقل کو لوٹا کر حیوانوں کی تقلید کی طرف نہ لائیے، عقل کو واپس حیوانوں کی تقلید کی طرف نہ لائیے. اب عقل کو لے جائیے تو اوپر دیکھیے کہ نبی کیا کر رہا ہے. یعنی ادھر دیکھیں کہ معصوم کا عمل کیا ہے، نبی کا عمل کیا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عقل ہدایت پاتی ہے، ہدایت پاتی ہے عقل نبی سے. عقل نبی تابع وحی ہے، اس لیے مستقل ہے، مستقل ہے، بے قرار نہیں ہے، استحکام ہے. تو ایسی منزل پر یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی غم ہو، کوئی مصیبت، غم تو لازم ہے. بڑی عجیب بات ہے، غم تو لازم، یعنی آج مرے یا 10 برس کے بعد مرے یا 50 برس کے بعد مرے، مرنے سے تو دنیا میں مفر نہیں ہے. اگر امیر المومنین انشاء فرماتے ہیں کسی کو جینے کا حوصلہ ہوتا تو شاید سلیمان ابن داؤد کو حکم ہوتا کہ تم جیو، تم جیو. اس لیے کہ ایسی مملکت جی تھی کہ طیور پہ حکومت تھی، وحوش پہ حکومت تھی، جن و انس پہ حکومت تھی. تو یہ بھی ارشاد ہوتا کہ سلیمان جیو، مگر حکومت دے کے موت بھی دے دی، موت بھی دے دی، گر پڑے دربار میں کھڑے کھڑے گر پڑے. اور اسی طرح سے پیغمبر کی طرف دیکھ کے کہا آپ رحمت للعالمین، صحیح، لیکن انکا میتن و انہم میتون، تم کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے.
तो आपने देखा कि जहां नबी के लिए मौत है वहां हम सब के लिए आज है या कल है। तो ऐसे मौके पर अगर अकल हाथ से निकल जाए तो फिर इंसान में और हैवानियत में कोई फर्क नहीं रहेगा। इस वास्ते हम ईसा अलैहि सवाब की मजलिसों का इंतजाम करते हैं कि दुख पाए हुए दिलों को एक तसल्ली हो मासूम के गम से। आप समझते हैं ये ईसा अलैहि सवाब की मजलिस का फलसफा है कि जहां दुख पाने वाले किसी और गम को देख के अपने गम को भूल जाए, जहां दर्द रसीदा दिल किसी और के गम को देखकर अपनी जहमत को फरामोश कर जाए। ये बातें अगर मुख्तसर सी इस महफिल में याद रखने के काबिल हैं तो जरूर याद रखिए कि अक्ल को नुकसान न पहुंचे, वरना गम अक्ल के लिए जरर है, गम अकल के लिए जरर है। और अगर यही गम ताबे गम इमाम हो जाए, यानी अगर हम अपने गम को उनके गम में जम कर दें, अगर हम अपने गम को उनके गम में जज्ब कर दें, अगर हम अपने दर्द को उनके दर्द में जज्ब कर दें, तो फिर मजाल है जो इंसान कभी किसी मंजिल पर भी अकल से हट सके नहीं। यही वजह है कि इमाम रिजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने शबीब से खुरासान में कहा मुहर्रम का चांद देखकर कि इब्ने शबीब इन कुंता बाकियन अला शयइन फक्के अला जद्दियल गरीब। इब्ने शबीब अगर किसी बात पे रोना आए तो मेरे जद पे रो लेना, अगर किसी बात पे रोना आए तो मेरे जद पे रो लेना। तो अब आपने देखा कि इतना बड़ा एक आपके लिए हौसला अफजा पैगाम मिला है अपने गम को भुलाने के लिए कि यहां गम को इंसान भुला देता है। क्या गुजरी होगी उन बीवियों पर, ये दो चार जुमले, क्या गुजरी होगी उन बीवियों पर कि जिन्होंने कर्बला में तो अपने वारिसों को छोड़ा, मगर जब कर्बला से काफिला चला है तो गोदियों के बच्चे दौड़ते हुए नाकों से जमीन पे गिरते जाते थे और मरते जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक 40 छोटी छोटी मैयत खबरें बनी हुई। आपने सुना एक वजाहत और, 64 बीवियां कर्बला में ऐसी थी, 64 बीवियां अंसार की, बनी हाशिम की, अजीजों की, हुसैन इब्ने अली के साथियों की, 64 बीवियां ऐसी थी कि जिनकी गोदियों में दूध पीते बच्चे थे, दूध पीते बच्चे। और ये बीबियां वो है कि जो सब के सब कर्बला में अपनी वारिसों को खो देती हैं, वारिसों की लाशों पर रोती हैं, मगर जब लुत के काफिला मदीना आया तो इन बीबियों ने रौज़ा रसूल को देखा, मदीने को देखा और पुकार के कहा मदीने जब हम निकले थे हमारी गोदियां भरी हुई, जब हम यहां से निकले थे हमारी गोदों में हमारे बच्चे थे, मदीने आज हम वापस आए तो न सर पे वारिस है न गोद में हमारे बच्चे। खुदा हमको कामिल ईमान परवरदिगार मरहूम के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा।
ہمارے اموات کو بخش دے، ہم کو آل محمد کی محبت عطا کر، تعجیل فرما ظہور حجت. لال شہ مشرقین کیا کہنا، علی کے لال شہ مشرقین کیا کہنا، ہے آج بھی دل امت کا چین کیا کہنا، ہے آج بھی دل امت کا چین کیا کہنا، نفاق و کفر کیے بے نقاب دونوں نے، نفاق و کفر کیے بے نقاب دونوں نے، حسن کی صلح جہاد حسین کیا کہنا، حسن کی صلح جہاد حسین کیا کہنا. دوسرا قطع دوسرا، اللہ رے بے نیازی حسنین ذوالکرام، اللہ رے بے نیازی حسنین ذوالکرام، مومن نہیں ہے سر جو عقیدت سے خم نہیں، اللہ رے بے نیازی حسنین ذوالکرام، مومن نہیں ہے سر جو عقیدت سے خم نہیں، ٹھکرا دیا ہے پائے حقارت سے اقتدار، ٹھکرا دیا ہے پائے حقارت سے اقتدار، صلح حسن جہاد حسینی سے کم نہیں، صلح حسن جہاد حسینی سے کم نہیں. سلام کی جن سے ہر مصیبت میں آسرا ہے حسین، ہر مصیبت میں آسرا ہے حسین،
गई वो यजीद की शाही, मिट गई वो यजीद की शाही, हश्र तक शाहे करबला है हुसैन। मिट गई वो यजीद की शाही, हश्र तक शाहे करबला है हुसैन। सरसरे जुल्म जोर से न बुझी, सरसरे जुल्म जोर से न बुझी, क्षमा ऐसी जला गया है हुसैन। फिर कोई और क्या नजर में समाए, फिर कोई और क्या नजर में समाए, जिसके दिल में समा गया है हुसैन। फिर कोई और क्या नजर में समाए, जिसके दिल में समा गया है हुसैन। सफरे जीत हो गया सां, सफरे जीत हो गया पा तेरा रहनुमा है हुसैन। क्या बयां हो तेरी मसीहाई, क्या बयां हो तेरी मसीहाई, के तुर्बत में भी शिफा है हुसैन। क्या बयां हो तेरी मसीहाई, आके तुर्बत में भी शिफा है हुसैन। हमें दुनिया से मिल गई फुर्सत, हमें दुनिया से मिल गई फुर्सत, गम तेरा दिल में बस गया है हुसैन। दर्द से कौन है बशर खाली, और हर दर्द की दवा है हुसैन। दोपहर में लुटा दिया सब घर, दोपहर में लुटा दिया सब घर, आप ही का ये हौसला है हुसैन। हो
सुराबी को से हते कामिल हो सुराबी को से हते कामिल सारी मजलिस की ये दुआ है हुसैन तेरा अदना गुलाम है ये शहाब तेरा अदना गुलाम है ये शहाब यही बख्श